नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर में भाजपा आईटी सेल विधानसभा संयोजक मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल लगाकर स्थानीय लोगों को चाय वितरण कर उनसे पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। बता दें कि भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा मंडी कोटला स्थित सौरभ अग्रवाल की दुकान पर चाय एवं पकौड़ी का वितरण निःशुल्क किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सेवा भाव के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देकर उनको जीत दिलाने का कार्य करें, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया जा सके। कार्यक्रम में मोहित अग्रवाल, सुमन त्यागी, विवेक गंडवाल, अरविंद कुमार, पप्पू चेयरमैन, अनिल गुप्ता, अनमोल मित्तल सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा संयोजक मोहित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, ये माननीय योगी जी और मोदी जी के संदर्भ में जो उनके सेवा भाव है, सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, उस रूप में निःशुल्क चाय वितरण और निःशुल्क पकौड़ी वितरण यहाँ पर करवाया गया है, जिससे कि हम सेवा भाव के रूप में समाज के अंदर जा सकें और ये दिखा सकें कि भाई भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो सेवा के रूप में काम करती है। अन्य कोई पार्टी सेवा के रूप में काम नहीं करती, वो सिर्फ राजनीति करती है। परिवारवाद उनके अंदर है, यहाँ पर कोई परिवारवाद की परिभाषा नहीं है। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।